डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन मैथमेटिक्स सिमेट्रिक कहते किसको हैं। तो सिमेट्रिक हर उस चीज़ को कहेंगे जो अक्स हो दूसरी चीज़ का, जो के अक्स हो दूसरी चीज़ का। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन कैसे फिर की जा सकती है अक्स को जहन में रखते हुए। तो डेफिनेशन होगी इसकी, लेट एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट्स, या टू सेट्स भी कह सकते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, लेट एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, दीज आर सेट टू बी सिमेट्रिक, सेट टू बी सिमेट्रिक If क्या हो, x is equal to y or y is equal to x, या तो x y के बराबर हो या फिर y x के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये symmetric है। ये आपस में क्या है, ये symmetric है। तो इसको मज़ीद explain करने के लिए हम कुछ examples use करते हैं, जैसे कि है फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल ले ली एक अपने पास, एग्जाम्पल नंबर वन का नियम दे दिया मैंने। मैंने कहा कि ए बराबर है 5k, ए बराबर है 5k। तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 5 किसके बराबर होगा अगर ये सिमेट्रिक है। तो आप कह दोगे इम्प्लाइज फिर 5 बराबर होगा a के। इस तरह से एग्जांपल बन गई। इसी तरह कोई और एग्जांपल यूज कर ली हमने, हमने कहा कि एग्जांपल नंबर 2 में c बराबर है 500, c बराबर है 500 के, और फिर पूछा कि 500 जो है वो किसके बराबर है। तो बाय अप्लाइंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी 500 वो बराबर होगा सी के। तो किस्सा मुख्तसर कि एक चीज दूसरी चीज का अक्स शो हो रही हो तो वो क्या, किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की। तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, किसी भी सेट के मतलब हो सकती है, कोई भी दो एलिमेंट्स के मुतालिक पूछी जा सकती हैं कि अगर ये सिमेट्रिक हैं एक्स और वाई, जैसे मैंने कहा इन जनरल लिए मैंने दो एलिमेंट्स, अगर एक्स और वाई आपस में सिमेट्रिक हैं तो फिर एक्स बराबर होगा वाई के और वाई बराबर होगा एक्स के। इसी तरह मैंने दो तीन एग्जांपल्स यूज़ किए, जैसे एक ये एग्जाम्पल यूज़ की, एक वो एग्जाम्पल यूज़ की। इसी तरह आप कोई और एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। आप अपने पास से भी बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स बना सकते हो कि अगर एक बैग है, बुक्स जिसमें रखी जाती हैं, एक बैग वो बराबर कह दिया जाता है कि ये डेस्क के बराबर है। वैसे फर्जिया एग्जांपल यूज कर ली कि एक डेक्स, एक जो बैग है वो बराबर है डेक्स के, तो आप कहोगे सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ये है कि वो डेक्स बराबर है बैग के। तो इस तरह और कोई भी एग्जांपल बनाई जा सकती है। तो सिमेट्रिक शो करने के लिए अगर पहली चीज दूसरी के बराबर है तो दूसरी पहली के बराबर होगी। अस्सलाम वालेकुम।